2.2 भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। रूस ने पूंजीवादी औद्योगिकरण की जगह राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली का लोकतंत्र स्वीकारा। उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकारों पर अधिक जोर था। यह व्यवस्था बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी और उसमें यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को बहुत बड़ा धक्का सन 1929 की भीषण मंदी से लगा और अपने आप को बदलने पर विवश हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा की गई थी कि सभी देशों में तेजी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी, लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आई जो 1933 तक यानी 4 साल तक बनी रही। हालांकि उसके बाद फिर विकास का दौर शुरू हुआ, लेकिन 1939 तक मंदी का असर बना रहा। आर्थिक मंदी यानी क्या? अक्सर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है और वे बिक नहीं पाती हैं और माल की कीमत कम होने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूंजीपति उत्पादन कम कर देते हैं जिससे मजदूरों को काम कम मिलता है और वे बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। अब वे और कम सामान खरीद पाते हैं जिसके चलते मंदी और गहरा जाती है। 1929 की मंदी का असर कई साल तक रहा और पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब यूरोप में कृषि प्रभावित रही, अमेरिका के किसान ने उत्पादन खूब बढ़ाया जिसके लिए वे बैंकों से बहुत उधार भी ले रखे थे। भीषण मंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट से हुई। शेयर बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमा रही हो तो अधिक लोग उसके हिस्से खरीदेंगे और उनका दाम बढ़ जाएगा। अगर घाटा हो रहा हो तो जिनके पास उसके हिस्से हैं वे भी बेचने लगेंगे और खरीदने वाले नहीं होंगे। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के निवेशकों ने पाया कि कोई कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही थी और सभी घाटे में चल रहे थे। अचानक 29 अक्टूबर को सभी कंपनियों के हिस्सों की कीमत तेजी से घटती गई। जिनके पास शेयर थे वे बेचने के लिए आतुर थे मगर खरीदार नहीं थे। बैंकों का दिवालिया निकल गया और जिन्होंने उनमें पैसे डाल रखे थे उनकी जमा पूंजी गायब हो गई। औद्योगिक और कृषि संकट के चलते राष्ट्रीय आय कम हो गई।